भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ सरकार चौकन्ना हो गई है, जिसके चलते कोरोना वायरस से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग सरकारी और निजी अस्पतालों को मुस्तैद रहने की बात कही है। देखिए क्या है कि पब्लिक हेल्थ एक्ट जो है 1972 का, वो ये साफ साफ कहता है कि अगर कोई ऐसी एपिडेमिक आती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी हो, तो उस समय में सीएमओ को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जो कि अभी शासन द्वारा जो है ये विशेष अधिकार पब्लिक सेफ्टी एक्ट में हमको दिए गए हैं, पब्लिक हेल्थ एक्ट में 1972 का एक्ट है ये। इसके अनुसार कोई भी अगर बड़ी गैदरिंग होती है जिसमें बीमारी फैमिली की फैलने की संभावना होती है, तो उसको रद्द करने के लिए अधिकार। इसके अलावा जितने भी शासन के अतिरिक्त कहीं पे भी कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसके ऊपर सीएमओ का एकाधिकार हो जाता है और सीएमओ उन सुविधाओं को आम जनता के लिए, गरीबों के लिए या जो मरीजों हैं उनके हित में किसी भी प्रकार का उपयोग कर सकता है। जैसे आपके वेंटिलेटर्स हैं या कुछ भी हैं, तो अगर वेंटिलेटर्स हैं तो आप उसको खाली नहीं रख सकते, उसको आपको देना ही पड़ेगा और उसमें जो है शासन जो है उसका व्यय भी वहन करेगा और जो शासन तय करेगा वही व्यय वहन करेगा। फोर्सफुली लाया जा सकता है। आइसोलेशन और क्वारंटाइन जो है वो भी प्रोहिबिटरी एक्शन भी उसमें है कि उसमें पुलिस लगा के उसको जो है होम लॉक कर सकते हैं, उसको उस एरिया को क्लियर कर सकते हैं कि इस एरिया में के अलावा आप कहीं जा नहीं सकते, वो भी किया सकता है। और क्वारंटाइन की हमने बाकायदा फैसिलिटी बनाई है और हमने 40 बेड की फैसिलिटी बनाई है, जिसमें 20 बेड बेलखाड़ू में, 10 बेड आपके तिलवारा के अस्पताल में और 10 बेड बगराजी उद्यम में बनाए। ये ऐसी जगह बनाए गए हैं जिसके आसपास भीड़ नहीं रहती, जिसमें कर्मचारियों के रहने के क्वार्टर हैं, अलग मेल और फीमेल टॉयलेट्स हैं ताकि कर्मचारी भी जा सकें और लोग भी जा सकें, और जहां हम खाना भी पहुंचा सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति आता है जिसका यहां रहने के लिए घर नहीं है, उसे ये तकलीफ है, तो उसे उस क्वारंटाइन में रखा जाए। द रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।